बैठो। तुम्हारी हाइट मेरे कमर तक नहीं आती, लेकिन तुम्हारी बातें ना मेरे सर के ऊपर से चढ़ रही है। क्यों धमकी दे रही हो? मैं बड़ा हूं तुमसे, मुझे पता है। I'm so sorry. मैं आपको डांट नहीं रहा था। I'm so sorry. आप प्लीज रो मत, मुझे माफ कर दो। मैं कान पकड़ू? नहीं, मैं पकड़ूंगी, लेकिन मैं आपको धमकी नहीं दे रही थी। मुझे पता है आप मुझे धमकी नहीं दे रहे थे। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी सच्ची? नहीं प्लीज, आप सॉरी मत बोलो, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। आप माफी मत मांगो, बड़े लोग माफी नहीं मांगते, वो तो छोटे को माफ करते हैं। इसका नाम खुशी है, पर लगता है इसे ज्यादा खुशी कभी मिली नहीं है, अंदर से बहुत दुखी लगती है। खुशी, चाहे बड़ों की गलती हो या छोटों की गलती हो, जिसकी गलती होती है ना, हमेशा वही माफी मांगता है। इस बार मैंने गलती करी तो मैं माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। ओके, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए, मैं जानती हूँ उस होटल को अच्छे से, आप चलिए आइए। यस बॉस। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि इस होटल में एक बहुत बड़ा आदमी रुका हुआ है, आज उसकी बेटी की शादी है, हो सके तो मार दूंगा बॉस, देखते ही गोलियों से भून डालूंगा। बॉस नहीं, जब मैं बोलता हूँ सब लोग चुप रहते हैं, कोई बीच में नहीं बोलता, और अगर कोई बीच में बोलता है वो कभी बोलने के लायक नहीं रहता। सॉरी बॉस। उस आदमी को पकड़ो, हॉस्टेज बनाओ, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। जी बॉस। और सुनो, वो मीडिया वाले भी आते ही होंगे, इधर कैमरे की तरफ देखकर। जी बॉस। हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, जाओ और अपना काम बड़ी सफाई से करो, और याद रहे वैसे दहशत फैलाओ कि जो लोगों की आने वाली सात पुस्तक तक की याद रखें, ऐसी दहशत फैलाओ कि हिंदुस्तान का इतिहास हमसे ही शुरू और हमसे ही खत्म। जो हुकुम बोल। और याद रहे तुम सब हमारे सिपाही हो, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी जमी के लिए कर रहे हैं, अपनी मिट्टी के लिए कर रहे हैं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए, किसी भी तरीके से तुम उनकी गिरफ्त में नहीं आने चाहिए, और अगर गलती से तुम उनकी गिरफ्त में आ भी गए
तो याद रहे, वो लोग तुम्हें टॉर्चर करके तुमसे इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही तुम खुदकुशी कर लोगे। एक्चुअली मैं इन सबको सेफली बाहर निकाल रही हूँ। क्या है ना, मेरे पास बाकी गेस्ट के भी नाम है, इस रजिस्टर में सब डिटेल्स है, मैं सबको एक एक करके बाहर निकालूंगी और फिर खुद जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलती हूँ। नहीं, तुम हमारे साथ चलो, सेफ रहोगे। नहीं जा सकती, वो मिस्टर मैनेजर अंदर ही कहीं है, मेरी वजह से वो यहाँ है। मैंने उसे कॉल किया था, यहाँ आने के लिए कहा था, और वो बहुत इमोशनल और सॉफ्ट टाइप से, उसे बचाना जरूरी है। आई हैव टू गो, तुम जाओ। पर तुम कहा है? तुम नहीं समझोगी प्राची, वो ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है, बहुत इमोशनल टाइप से। उसका बस चलेगा ना तो वो किसी टेररिस्ट को अपने गले लगा लेगा। माना मैं तुम्हारी तरह मदर टेरेसा टाइप नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब किसी को अपना समझ लेती हूँ ना, तो उसके लिए जान दे भी सकती हूँ, जान ले भी सकती हूँ। मैंने कहा ना, तुम जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है, कोई आ जाएगा, तुम जो आओ मैं तुम्हें यहाँ। ओके, एक काम करो, तुम बैंक्वेट हॉल में छुप जाओ, मैं इन्हें छोड़ के वापस आ जाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारे स्वीट मैनेजर को ढूंढेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। जी बॉस, जी बॉस। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो चला गया है, सब लोग साथ में मिलकर शांति से चलेंगे, आ जाओ। एक सेकेंड खुशी, वैसे आप तो बहुत स्ट्रांग निकले, हाँ, एक अच्छे फाइटर की तरह वहां बैठे रहे। मैंने आपको कहा था आवाज नहीं करने के लिए, आपने बिल्कुल आवाज नहीं करी। मैंने डर को हरा दिया। I'm so proud of you. Very good. मेरी छोटी पार्टनर। Come, let's go. आ जाओ। इतना बड़ा अटैक, इतना बड़ा हत्याकांड, कौन है इसके पीछे? इस खूनी खेल का मकसद क्या है? ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन जितना बड़ा ये हमला है और जिस प्लान से ये किया गया है, जाहिर तौर पर कहा जा सकता है ये एक टेररिस्ट अटैक है। और ये इतना बड़ा हमला है कि पूरा देश तहल उठा है। लेकिन हैरानी और खौफनाक बात यह है कि हमारी सरकार अभी भी सोई हुई है। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस की अभी तक कोई टीम नहीं आई है। सवाल ये उठता है कि जब मीडिया यहाँ इतनी जल्दी पहुँच सकती है, तो पुलिस फोर्स क्यों नहीं पहुँच सकती? ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की भी और पुलिस की भी? भाई क्या बात है भाई, आज तो चेहरे पे कुछ अलग ही रौनक है। अपने मकसद को अंजाम देने का टाइम आ गया बड़े भाई, रौनक तो अलग होगी ना। बोलो भाई, आगे क्या हुकुम है? ये रहा होटल का मैप, वो भी ब्लूप्रिंट के साथ, और इसमें सब कुछ मार्क किया हुआ है, कहाँ कहाँ हमारे आदमी हैं। बहुत मुमकिन है कि उनकी फैमिली भी उनके साथ मौजूद है इसी होटल में। इसका मतलब हमें सही इन्फॉर्मेशन मिली। क्या हुआ भाई? ये ऊपर वाला भी ना, ऊपर बैठ के ऊपर के ही गेम प्लान करते रहता है। मतलब हम बहुत छोटा सोचते हैं, और ये ऊपर वाला ऊपर से बैठ करके हमारे ऊपर अपनी मेहरबानियां बरसाते रहता है। ऐसा क्या मिल गया भाई? प्रूफ का इक्का हमें मिला है, अगर ये हमारे हाथ लग गया ना, तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। समझा नहीं भाई, है क्या वो? इंडस्ट्रियलिस्ट यशवर्धन सिंघानिया, वो इसी होटल में है, वो भी अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी होने वाली थी ना। अगर ये बड़ा आदमी हमारे हाथ लग गया ना, तो हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे, पूरी दुनिया में हमारा नाम मशहूर हो जाएगा, हमारा आतंकवादी गिरोह नंबर 1 पे आएगा। ओ, ये
डैड, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा। अजी, क्या हम बाहर आज निकल पाएंगे? पता नहीं, मुझे खुद को नहीं पता। ये रहा हमारा हथियार, यशवर्धन और उसकी फैमिली। ये हमारे कब्जे में आ गए ना, समझो कि आधी जंग तो हम वैसे ही जीत गए। देखो, सुनो, यहाँ देखो और ध्यान से देखो, गार्ड्स दरवाजा खोल रहे हैं। मैं अपनी बॉस की डॉटर को ढूंढ रहा था, मुझे पता नहीं था आप लोग यहाँ पे। आप यशवर्धन सिंघानिया जी, हाय। हाय, आई एम सॉरी, मैंने सोचा होटल का कोई एम्प्लॉय है जो हमें बचाने के लिए आया है। एक्चुअली मैं बचा ही रहा हूँ लोगों को, एंड मैं यही सोच के आया था कि यहाँ पे मेरे बॉस की डॉटर है, पर आप लोग मिल गए, इट्स टोटली फाइन। पर आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ से निकलने का हम कुछ प्लान करते हैं, डोंट वरी। थैंक यू। ये लड़का हमारे काम आ सकता है, इसे पकड़ो, इसे अपनी गिरफ्त में लो। है, लेकिन वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बचाने की जरूरत है। वहाँ पे एक ऐसे इंसान है जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो एक मीना कुमारी भी, उसको बचाना है। आई मीन, उसका नाम मीना कुमारी नहीं है, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोग प्लीज मत हिलिएगा अपनी जगह से, यही रहिएगा जब तक कोई आता नहीं, ओके? एक मिनट, मैं आपसे कुछ मांगू। मुझसे क्या? मेरा प्यार, मेरी लाइफ, मेरे होने वाले हस्बैंड, वो वहां बाहर है, क्या प्लीज उन्हें ले आएंगे मेरे पास? उन्हें कुछ मत होने देना, उनसे कहना कि मैं उनका वेट कर रही हूँ, उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ उनसे, पता नहीं, पर उनके बिना जीना ही नहीं आता। वो साथ होते तो मैं सांसें फील कर पाती हूँ, नहीं तो आज हमारी शादी थी, बहुत खुश थी मैं, मेरा प्यार आज मेरा हो जाएगा। पर देखो, किस्मत धोखा दे गई, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज सैंडी को कुछ मत होने देना। उम्मीद मत करो, भरोसा करो, और मुझ पे भरोसा मत करो, अपने प्यार पे भरोसा करो। तुम्हारा जो ये प्यार है ना, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे सैंडी को कुछ नहीं होने देगा। अगर खुदा ना खास्ता उसके सामने कोई मुसीबत आ भी गई ना, तुम्हारा ये प्यार उसके सामने कवच बन के खड़ा रहेगा और उसको कुछ नहीं होने देगा। कभी बताया सैंडी को कि तुम इतना प्यार करती हो उससे? बताना चाहिए था ना। डरो मत, मैं जब सैंडी को तुम्हारे पास लेके आऊंगा ना, उसको अच्छे से बता देना। और तुम्हें पता है वो यहाँ पे क्यों आएगा? मैं कुछ करूंगा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें अपने प्यार पे, मुझ पे इतना विश्वास है। तुम्हारा प्यार उसको खींच के यहाँ पे लेके आएगा, और जब वो यहाँ आएगा तो उसको सब बताना कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, और प्यार से जीना उसके साथ। कई बार ना हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ ना वक्त ही नहीं बिता पाते, इस बात का पछतावा होता है कि काश उनसे कह दिया होता कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, काश उनके साथ दो पल और बिता लिए होते। मैं तुम्हें ऐसे कहीं जाने नहीं दूंगा, चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। तुमने अपने प्यार को खोया है? नहीं, मैंने अपने प्यार को नहीं खोया, मेरा प्यार मेरे दिल में, और जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं ना तो वो मेरे करीब आ जाता है, बहुत करीब। मेरे दिल में थैंक्स, तुमने बचा लिया, वरना आज पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं होता, इट्स ओके, यू आर सेफ नाउ, ओके?
डोंट वरी। ए, हम सैंडी, आगे मैं सेविया। इस सैंडी को कुछ मत होने देना, उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। कभी क्या हो गया? सेवियर बोला तो कुछ गलत बोला क्या? तुमने तो मेरी जान बचाई है, तुम है ना तो मेरे सेवियर। नहीं यार, मैं तुम्हारा सेवियर नहीं हूँ। तुम्हारा जो असली सेवियर है ना, वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। मेरी होने वाली पत्नी? तुम उससे? मैं मिला उससे और वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट वो तुमसे इतना प्यार करती है कि जब मैं उससे मिला था ना, उसको अपनी कोई परवाह ही नहीं थी। वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी, सिर्फ तुम्हारे बारे में। उसने मुझे ये बोला पूरे भरोसे से, उसने मुझे कहा कि आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे होने वाले पति को बचा लेंगे। है, मैं तो तुम्हें देखा तक नहीं था, लेकिन सिर्फ उसके प्यार में इतनी ताकत थी कि मुझे पता था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। एक तरीके से उसने जो अपने प्यार की ताकत है ना, वो मुझे दी, और इसलिए देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। इसीलिए तुम्हारा असली सेवियर मैं नहीं हूं, तुम्हारी असली सेवियर जो है वो है तुम्हारी होने वाली बीवी, शी इज योर सेवियर। क्या हो गया यार, तुम तो लकी हो, मुस्कुराओ, तुम अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा उससे मिलना। मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि आज सुबह ही मैंने उससे झगड़ा किया था, और मैं सोच रहा था कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, पर अब जब सोचता हूँ तो मैं कितना गलत सोच रहा था। इडियट, इसे छोटी छोटी बात पे कौन रिएक्ट करता है? हमारी जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, बहुत छोटी, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार करने वाला और साथ रहने वाला इंसान मिलता है। बहुत खुश नसीब होते हैं, और तुम भी उतने ही खुश नसीब हो। हम अक्सर ना अपने ईगो में, अपने गुस्से में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से हम उसको बहुत रिग्रेट करते हैं, और फिर हमारे साथ कुछ नहीं बचता, सिर्फ दर्द बचता है और पछतावा बचता है। एंड डोंट वरी, तुम ऐसे अकेले नहीं हो, मैंने भी ये गलती करी। मैंने भी अपने ईगो में एक ऐसे इंसान को अपने से दूर कर लिया जो मुझसे बहुत प्यार करता था, और अब उसकी इतनी कमी महसूस होती है, अब वो मुझसे इतना दूर चला गया है कि सिर्फ उसका एहसास मेरे आसपास रह गया है। इतनी सारी यादें हैं उसके साथ, लेकिन यादें जीने के लिए वो नहीं है साथ में। जिंदगी पूरी की पूरी पड़ी है, लेकिन हम सफर ही नहीं है। मेरी वाली गलती तुम मत करना, ओके? क्या नाम है उसका? प्राची, 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 प्राची। मेरी चिकचिकी, चिकचिकी। मुझे सब कुछ बताओ, उसके बिना जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ बताओ। ये 6 साल कैसे गुजरे उसको सब कुछ बताओ, पर अजीब सी उलझन है। उसे देख के ना दिल में दर्द भी होता है, और फिर अजीब सा सुकून भी मिलता है। मेरा दर्द भी वही है और दवा भी वही है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो उस पर गुस्सा आना चाहिए, मैंने सोचा था जब वो सामने आएगा, जब भी मैं उससे मिलूंगी, अगर मैं उससे मिलूंगी तो मैं बहुत लड़ूंगी उससे, एक एक चीज पूछूंगी उससे, हर सवाल का जवाब लूंगी उससे। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा दिल क्यों तोड़ा? क्यों मुझ पे विश्वास नहीं किया? सब कुछ पूछूंगी, ऐसे सब सोचा था मैंने। बहुत लड़ूंगी उससे, बहुत लड़ूंगी, पर पता नहीं क्यों, जाना क्यों हो रहा है ऐसे। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं इनफैक्ट मुझे लग रहा था वो मेरे पास रहे, उसके गले लग जाऊं, उसे कभी दूर ना जाने दूं। ऐसा क्यों हो रहा है शाना? लेकिन थैंक गॉड उसने मुझे नहीं देखा, और मैं चाहती भी नहीं वो मुझे देखे। प्राची देख, अभी तुझे ना ये सब कुछ नहीं सोचना है, तुझे अपना ख्याल रखना, अपने आप को उस सिचुएशन से बचाना है। तुझे कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना है, तो अपना ध्यान रख, अपना ख्याल रख। रणबीर कहाँ है अभी? रणबीर, वो पता नहीं, वो वहाँ है, वो अकेला है। मुझे उसके पास जाना होगा। मुझे, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ शाना। प्राची तो अपना ख्याल रख, प्राची। रणबीर, भगवान जी प्लीज प्लीज, प्राची और रणबीर दोनों का ख्याल रखना। वो जहाँ भी रहे ठीक रहे प्लीज। प्राची, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, मेरी चिकचिकी, मैंने उसके साथ जो भी किया वो मैंने अपने ईगो में किया, अपने गुस्से में किया, अपने दर्द में किया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत पछताता हूँ। इतना पछताता हूँ कि काश मैं टाइम में पीछे जा पाता ना, तो उसको जोर से गले लगा लेता और कभी जाने नहीं देता। अगर तुम किसी से प्यार करते हो ना, तो उसको कभी दूर नहीं जाने देना चाहिए।
क्योंकि अगर एक बार वो इंसान चला गया ना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितनी मिन्नतें कर लो, भगवान से मिन्नतें कर लो, तुम वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए मुझे जो इंसान मिलता है ना, मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें प्यार हो गया है ना, तो अपने प्यार की इज्जत करो यार। और जो तुम्हारी होने वाली बीवी है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। उसके साथ रहो सैंडी, उसे हर दिन प्यार करो, और इतना प्यार करो कि हुकुम सुनो, वक्त आ गया है। अपने बंदों को बोलो कि अगले 3 मिनट में सारे मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाने चाहिए, ताकि उनके पास टेररिस्ट अटैक की न्यूज तो पहुंच जाए, और जैसे ही ये न्यूज उन तक पहुंचेगी, उनमें दहशत फैल जाएगी। मदद के लिए यहाँ वहाँ फोन करेंगे, और जैसे ही फोन करेंगे वैसे ही नेटवर्क गायब। उनका कनेक्शन खत्म करवा दो बाहरी दुनिया से। बाहरी दुनिया से उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। जो हुकुम, दहशत फैला दो, जाओ। मुझे लगा ही था इस लेवल का अटैक, ये कुछ बड़ा है, ये डेफिनेटली आतंकवादियों का हमला है, इट इज अ टेरर अटैक। अब मतलब मैं जानती हूँ क्या करना है। अब वक्त आ गया है कॉल करने का। किसे कॉल करना चाहती हो तुम अपने उस मैनेजर को? जिसे मैं कभी कॉल नहीं करना चाहती थी। गायब क्या हुआ तुम? गायब कॉल 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 कर रही हूँ, लेकिन ओके, लेकिन लग गई। क्या कर रही हो तुम? ठीक हो तो काया? रुको, तुम कहाँ जा रही हो काया? काया तुम्हारे तुम्हारे फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा? नेटवर्क नहीं मिलेगा, किसी के भी फोन का नेटवर्क नहीं मिलेगा। तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि तुम सबके फोन का नेटवर्क चला कैसे गया? मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी आवाज सुन सकते हो, और अब तक तो तुम लोग को ये पता चल ही गया होगा कि हम कौन हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनो। हमारे कब्जे में तुम लोगों का एक आदमी है, और वो आदमी तुम लोगों के लिए कितना अजीज और प्यारा है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चल आधुबर 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 अंदर बैठ जा, बैठ अंदर, चल बैठो। यशवर्धन कहाँ रह गया? आएगा कि नहीं? एक बार फिर बुला, उसका आना बहुत जरूरी है, वरना कोई मरे ना मरे हम सब जरूर मरेंगे। बॉस? और क्या, बॉस ने कहा है यशवर्धन को पकड़ना है, इसलिए कैसे भी करके यशवर्धन को पकड़ना ही होगा। नहीं तो क्या नाम है इस लड़के का? रणवीर कोहली। रणवीर कोहली? अरे ये कोई फेमस बंदा थोड़ी है। फेमस तो वो है हर्षवर्धन, उसे पकड़ना ही होगा, उसे बंदूक बनाना ही पड़ेगा। उसकी यहाँ के सरकार में भी अच्छी खासी पकड़ है। तो बस फिर जो बॉस ने बोला है वो करो, होश में लाओ इसे। मार पानी मुंह पे। बहुत सो लिया तू, अब गुड मॉर्निंग कर ले। तुम्हें मुझसे दिक्कत है ना, मुझसे बात करो। इन लोगों को छोड़ दो, इनकी इनकी कोई गलती नहीं है। इनको क्यों बना रखा है तुमने यहाँ पे बंदी? इनको छोड़ो, जाने दो इनको। जितना पूछा जाए उतना ही मुंह खोल, वरना देख रहा ना यही भेजा खोल कर रख दूंगा। चल अब चुपचाप से अपने ससुर को बुला। किस किसको? ए ज्यादा नाटक नहीं, देख रहा है ना सबकी हालत। तू मरेगा साथ में ये लोग भी मरेंगे। चुपचाप अपने ससुर को बुला। ससुर ससुर लगा रखा है तुम्हारा, दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मेरे ससुर को जानते हो,
अगर जानते हो तो कैसे जानते हो? मैं अपनी बीवी से 6 साल से नहीं मिला, और वैसे भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वो मेरे आसपास ही है, इसी होटल में। अगर तुम्हें वो मिले ना तो प्लीज मेरे पास ले आना, हम दोनों मियां बीवी साथ में बैठ के तुम्हें ससुर के बारे में सब कुछ बता देंगे। लेकिन तब तक इन लोगों को जाने दो, इनकी इनकी कोई गलती नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? ए रुक, पीछे। अरे इस बेचारे को तो कुछ भी नहीं पता कि तेरे पीठ पीछे मैंने माइक पर क्या क्या कहा। अरे कुछ पता ही नहीं इस बेचारे को तो, लेकिन बताना तो पड़ेगा। सर आप यहाँ क्यों आए? आपको क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? यहाँ आपकी जान को खतरा है। सिर्फ मेरी ना, बाकी सबकी तो जान बच जाएगी। मैं आ गया हूं, इन्हें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, जितना पैसा चाहिए बताओ। तुझे हम चंदा इकट्ठा करने वाले नजर आते हैं, ये बंदूक नहीं दिखाई देते तुझे? बाहर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं देखा? हम लोग टेररिस्ट हैं, पैसों की तो बारिश होती है हमारे यहाँ, हम सिर्फ अपने मिशन के लिए काम करते हैं। और ये मिशन क्या है तुम्हारा? हमारा मिशन है तुम सब लोगों को एक साथ मारना। क्या हुआ, तुम भाग क्यों रही हो, डर रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ। तो फिर क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे बात नहीं करनी तुमको? तुमने मुझसे 6 साल से बात नहीं करी है प्राची, अभी भी तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है? सब बोलते हैं तुम मर गए हो, तुम जिंदा हो। I can touch you, I can feel you, you're alive. तुम्हारी मानसिक स्थिति भी ठीक है ना, तुम्हारी याददाश्त भी ठीक है, तुम मुझे पहचान पा रही हो ना, तुम जानती हो ना मैं कौन हूं? तुम्हारा अपना रणवीर, ये जानने के बावजूद तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुमने धोखा क्यों दिया मुझे? क्यों नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि जब तुम जिंदा थी 6 साल तक तुम कहीं और रही, तुम्हें याद था रणवीर कौन है? तुम एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता, तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत थी, तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हें एक बार ख्याल नहीं आया मेरा, एक बार भी? तुम जब जिंदा थी तुम्हें याद था, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्यों क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों कभी घर लौट के नहीं आई प्राची? क्यों ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। पंची आज नहीं है हमारे साथ। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरे साथ सब छीन लिया तुमने, मेरी खुशियां छीन ली, आज तुमने मेरी बच्ची छीन ली प्राची, मेरी बच्ची छीन ली। तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना तो मुझे अपनी बेटी की मौत की याद आती है। अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए, तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम बोलोगी प्लीज, जवाब दोगी, क्यों नहीं आई? क्या जवाब दूं रणवीर, मेरा जो जवाब है वो तुम सुन नहीं पाओगे। इनफैक्ट उनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड कितनी बार मिल चुका है। रियली? इतनी ऊंची उड़ान भरने के बाद भी कसम आज भी जमीन पर है। रणवीर ने हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प की है, बदले में हम जो भी करें बहुत कम होगा। He should be rewarded. और अब उसे किसी के वहां मैनेजर की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। रणवीर क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये वो खुद तय करेगा, उसके लिए कोई और तय नहीं करेगा। फिलहाल वो मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है। तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? जानती हूँ, शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन। बड़े हैं इसलिए इज्जत कर रही हूँ, और मैं उसे मैनेजर इसलिए नहीं कहती क्योंकि ही इज नॉट गुड, इन फैक्ट ही इज वेरी गुड। एंड आई एम श्योर आपके पास और भी बहुत बहुत जरूरी काम होंगे डिस्कस करने के लिए, तो इस पर क्यों वक्त जाहिर कर रहे हैं?
मैं क्या कर रही हूँ, अगल हो गई हूँ। रणबीर मेरे साथ काम करे, मेरे साथ ना काम करे, अच्छा काम करे या बुरा काम करे, मुझे सबसे क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए क्यों लड़ रही हूँ? और वो एक नंबर का इरिटेटिंग इडियट सड़ो और अकड़ो है। थोड़ा सा तो है। मैं उससे ऐसी जॉब ऑफर करूंगा, ऐसा पैकेज ऑफर करूंगा कि वो ना ही नहीं बोल पाएगा। लिसन, मैंने कहा रणबीर मेरे साथ काम करता है, एक्सक्लूसिव है मेरे साथ। एक्सक्लूसिव का मतलब तो समझते ही होंगे, वो मेरे अलावा किसी और के लिए काम नहीं करेगा। रणबीर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। रिमेम्बर दैट। सच के साथ की रिपोर्टर से बात हो रही है। जी हाँ, आप कौन? तुम्हारे चैनल को नंबर वन बनाने वाला। मुबारक हो, तुम्हारे चैनल की TRP बढ़ने वाली। सब लोग तुम्हारे न्यूज चैनल को देखेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में मैं तुम्हें एक ऐसी न्यूज देने वाला हूँ जिससे तुम्हारे चैनल की TRP बहुत आगे जाने वाली है। अब बोल कौन रहे भाई साहब? पीछे देखो, उस इंस्पेक्टर को रोको। और तुम्हारी प्रेस की गाड़ी पर एक पेन ड्राइव रखी है, उसे उठाओ, उसमें इन्फॉर्मेशन है। क्या तुम टेररिस्ट कायदा ग्रुप के आदमी हो? इंस्पेक्टर को रोको, जितना बोल रहा उतना सुनाओ। इंस्पेक्टर सर, अरे मुझे उनको बताना है कुछ सर। क्या हुआ सर? ये आपके लिए। उसमें एक वीडियो है, उसे अपने चैनल पे चलाओ। उस वीडियो को पूरी दुनिया को दिखाओ और अपने चैनल की TRP बढ़ाओ। और हाँ, बहुत अच्छा काम किया तुमने इंस्पेक्टर को रोक के, बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। गुड जॉब। हाँ, क्या कर रही हो तुम? लेने दो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिक्र नहीं है मुझे तुम्हारी। तो क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि किसी के एहसान नहीं रखती मैं अपने सर पे, स्पेशली तुम्हारे। मुझे बचा रहे थे ना, मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों कर रही हो ऐसे? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। देखो, ये दवाई है, थोड़ा दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा, बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। तुम जानबूझ के कर रही हो ऐसे? हाँ, जानबूझ के कर रही हूँ। अभी भी वैसे ही हो तुम, नाजुक। और तुम अभी भी वैसे ही हो, पत्थर दिल। ऑइंटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी देर शायद जल सकता है, दुख सकता है, पर जल्दी ठीक हो जाएगा। इश्क कर मेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं चाहूं, तू थोड़ी देर और ठहर जा, सुने ना, तू थोड़ी देर और। नहीं प्राची, तेरा दिल नहीं पिघलना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना है, संभाल खुद को। क्यों पूछ रही हो कि मैंने क्यों बचाया तुमको? तुम्हें पता नहीं है क्या
मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने खुद को बचाया है, अपनी जिंदगी को बचाया है। पर अब क्या फायदा, इतना हर्ट कर चुके हो, इतना दूर कर चुके हो मुझे, तो अब ये सब क्यों? दूर तुम गई थी, क्यों नहीं आई वापस? एक बार तो आती, गुस्सा कर नहीं आ जाती। तुमने बोला तुम्हें मुझसे नफरत है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत गुस्सा थी, तुम उदास थी। मैं भी बहुत गुस्सा था, मैं भी बहुत स्ट्रेस था, इसीलिए शायद तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं जब तुम्हारी बात सुनूंगा तो मैं गुस्से में रिएक्ट करूंगा और इमोशनल होके नहीं सोचूंगा। राइट, मतलब तुम आज भी ये सोचते हो कि पंची के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं? सीरियसली रणबीर, मैं नहीं हूं जिम्मेदार, जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि वहां कौन आया था पुलिस लेके? तुम आए थे, इसीलिए आज पंची मेरे पास नहीं है। मैं वहां पे तुम्हें बचाने के लिए आया था। वेलकम फैमिली हीरो। ये लोग पुलिस लेके आए साथी। और मैं पुलिस वालों को लेके नहीं आया था, मुझे ब्लेम मत करो। एक बार मेरे पॉइंट से सोचा तुमने? तुम अगर मुझे एक बार बोल देती ना तो हम साथ में चलते और वहां पे हम पंची को बचा लेते, लेकिन ये सब मतलब तुम आज भी यही कह रहे हो कि पंची के साथ जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदार मैं हूं? यही बात है रणबीर, इसीलिए मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, तुम्हें देखना नहीं चाहती थी, तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि तुम आज भी वही सोचते हो। रणबीर कोहली, मैं भी मर नहीं रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। प्राची कोहली, मुझे प्राची कोहली मत बोला, बोला मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। मैं जिसको जो मन में आए वो बुलाऊंगा, समझी? कहां जा रहे हो? रुको, बात करनी थी ना तो बात कर रही हूं मैं। चलो बात करते, लेट्स टॉक। नहीं करनी मुझे तुमसे बात, मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिससे मैं बात कर सकता हूं। पता है मुझे, सुना मैंने, जिससे सिंघानिया की बेटी उससे तो शादी कर रहे हो ना तुम? तुम्हारा दिमाग मां घूम गया क्या? वो जो अनाउंसमेंट, तुम ना यू नो व्हाट, तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली हो, तुमसे आज भी ढंग से बात नहीं कर सकता कोई। मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं। सर इधर आ जाइए, आर्यन तुम्हें फिर से मम्मी जी का कॉल आया? अंकल आया था लेकिन वो बेटा तुम्हें भी डर लग रहा है क्या? नहीं, मैंने डर को गो बोला तो वो चला गया। पर बेटा इन बदमाशों को कौन गो बोलेगा कि यहाँ से चले जाएं और हम भी घर जाएं? अंकल ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग बदमाश क्यों हैं? हमने तो इनके साथ कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो फिर ये सबको क्यों मार रहे हैं? बेटा कुछ हमारे कर्म और कुछ इनके, मतलब रणबीर कपूर। अरे बेटा रणबीर कपूर यहाँ कहाँ से आएगा, वो तो कहीं फिल्म की शूटिंग कर रहा होगा। शूटिंग? हाँ, या फिर अपनी आलिया के साथ लंच करते हुए टीवी पे हमारी न्यूज सुन रहा होगा। ओहो, वो आलिया वाला रणबीर कपूर नहीं, ये वो मेरा वाला रणबीर कपूर है। अब ये तुम्हारा वाला कौन सा रणबीर कपूर आ गया? बहुत अच्छा है, क्यूट भी है और बहुत बहादुर भी है। अरे डरो मत, बैड अंकल नहीं है। तुम्हें कैसे पता? अगर बैड अंकल होते तो ऐसे नॉक नॉक थोड़ी ना करते, वो तो दरवाजा ही तोड़ देते। हाँ बात तो सही है। मेरी छोटी पार्टनर, हाय मेरी बच्ची, माय लिटिल गर्ल, माय लिटिल पार्टनर। मुझे तो लगा तुम कहीं दुबक उबक के बैठी होगी, डर रही होगी, पर तुम तो बहुत खुश हो। हाँ तो खुश नहीं होंगी, भगवान जी से प्रे किया था कि आप अच्छे से आ जाओ और वेट भी किया था आपका और आप आ गए। स्वीट, मेरा वेट किया? सच्ची? कितने टाइम के बाद किसी इंसान ने मेरा वेट किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ तो अब मैं करूँगी ना आपका वेट, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। थैंक्स,
आप लोगों ने हमारी मदद की। ये बात सच है कि अगर मीडिया चाहे तो देश की रक्षा करने में हेल्प कर सकती है। वो टेरिस सोच रहा होगा कि यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा है, सारे कैमरे दीवार की तरफ क्यों हैं। वो अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा था। तो बेवकूफ हम भी नहीं है, वो हमें लाइव न्यूज के जरिए देख रहा है। लेकिन अब हम उनके साथ एक खेल खेलेंगे। आप हमारे अंदर जाने की फुटेज उनको डिले करके दिखाएंगे ताकि हम उनसे दो कदम आगे रहें। थैंक्स गणेश, आपने सही टाइम पर हमें आगे मूव होने से रोक लिया और दूसरी तरफ मोड़ दिया। अगर सही समय पर हम मूव ना होते तो न जाने हमारे कितने सिपाहियों को गोली लग जाती। लेकिन आप, मैं इस होटल का बेलबॉय हूँ, मुझे इस होटल की चप्पे चप्पे की खबर है। तुमने मेरे रणबीर को कहीं देखा है? ऐसे तो मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं इस होटल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। कैसे छुप के अंदर जाना है, कैसे बाहर निकलना है, मुझे सब पता है। ओह ग्रेट, तो फिर आप हमारे काफी काम आ सकते हैं। सर मैंने सुना है टेरिस सीसीटीवी फुटेज और न्यूज से हम सब पर खबर रख रहे हैं। हमने सारी न्यूज फीड डिले की है। सीसीटीवी फुटेज काटी जा सकती है। व्हाट, कैसे? फ्यूज बॉक्स से फ्यूज निकालना पड़ेगा और इसके वजह से लाइट चली जाएगी। इसका मतलब अंदर जो टेरिस बैठा है उसको बाहर से हेल्प मिलना बंद हो जाएगी। ग्रेट, आप अंदर जाकर चलो। चलो खाया, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थोड़ा तेज भागो प्लीज। भाग रही हूं, मैंने हील पहने हैं। अरे तो उतार के फेंको ना इन्हें। चलो लेट्स गो। एक सेकंड, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? मेरा हील। अरे ये हील निकाल दो ना यार, अगर जिंदा बचे ना मैं तुम्हें दो हील लाके दूंगा। अभी फेंक दो इसको। हो गया, भागे, चलो लेट्स गो। आगे इतना अंधेरा है, हम भागेंगे कैसे? अरे हमें आंखों से नहीं भागना मेरी माँ, हमें पैरों से भागना है। प्लीज अंडरस्टैंड एंड रन विद मी। उधर कहाँ जा रहे हो? उधर चलो, सामने। उधर नहीं जा सकते, बंदूक के सामने टेरेस खड़े हुए, मार देंगे चांस से। इधर चलो। तुम ना मुझे तो मरवाओगे, खुद भी मरोगे। मैं जा रहा हूँ। वेरी फनी। फनी नहीं है। तब जी आ गए, वो हमारे जोक हंसते रहेंगे, हंसते हंसते में मार देंगे, हंसते हंसते में ऊपर चले जाएंगे। प्लीज प्लीज रन विद मी, कम रन रन कम। अरे उधर नहीं मेरी माँ, इधर आ। तुम बच्चों की तरह मेरा हाथ पकड़ के रहना, छोड़ना मत। चलो तो ये चल रहा था यार, ये दोनों पागल मिलकर मुझे भी पागल बना रहे। छोड़ूंगा नहीं इनको, छोड़ूंगा नहीं। क्या होगा, क्या हो? आप डर क्यों रहे हो? आपको मना किया था ना डरने से, क्या हुआ? गोली की आवाज सुन के डर रहे हो? नहीं, माइक की आवाज से। माइक की आवाज से कहाँ सुनी? माइक को मैंने देखा खिड़की पे, बहुत गुस्से में थी वो, तो मैं डर गई। आपने उन्हें मेरे पास जाने नहीं दिया ना, अब देख लेना वो बहुत गुस्सा होंगी। नहीं नहीं बेटा, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी। मैं माइक के सामने जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनको आपको नहीं डांटने दूंगा। ओके? पर वो आपको भी डांटेंगी। मुझे कैसे डांटेंगे, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी, मुझे थोड़ी डांटेंगे। डोंट वरी, माइक से बात कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सर आई थिंक हम अभी यहाँ से चलना चाहिए। हमें पता था टाइम नहीं, क्योंकि टेररिस्ट जो है, जो वो बैड मैन है ना, वो आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक ये सेफ है। हम किसी ऐसी जगह पे जाके छुपेंगे जहाँ पे वो ऑलरेडी जा चुके, ताकि उनको शक ना हो। ठीक है। तुम्हारी माई से मैं बात करूंगा, ठीक है? तुम्हारी माई टेररिस्ट थोड़ी है, डोंट वरी, हो जाएगी बात। तुम इतना स्ट्रेस मत लो, ओके? डर को बोलो गो। चलिए सर, चलिए चलिए, लेट्स गो खुशी, कम। आदुबार बोला, ए हीरो होशियारी नहीं, चल। दामाद को तो मैं देखता हूँ। आदुबार अगर चल, चल। गोली मत चलाना, वरना यहाँ लाशों के ढेर लगा दूंगा। और ये यशवर्धन और इसके पूरे परिवार को गोलियों से भून देंगे। चल पीछे। इंस्पेक्टर, चालाकी नहीं, वनेश दामाद को अभी उड़ा दूंगा। पीछे इंस्पेक्टर, पीछे चल, हिलना मत, चल। रस्सी निकाल और काले कपड़े से सबके मुंह ढक दे, जल्दी कर। दो चाबी। जल्दी कर ले काके। रुको, पहले इन लोगों को छोड़ो। इनको चाबी ऐसे मत देना, इनका क्या भरोसा? हम इनको चाबी दे भी दें और ये फिर भी हमारे लोगों को मार दें,
अच्छा, और मैं तेरी बात का विश्वास कर लूं कि अगर हम तेरे आदमियों को छोड़ देंगे तो तू हमको चाबी देगा? नहीं देगा, तू हमें गोली मार देगा। तो ठीक है, टाइमिंग करते हैं। तुम उधर से हमारे लोगों को छोड़ो, इधर हम चाबी देते हैं। बॉस, ये ठीक कह रहा है। एक काम कर, तू इसे बीच में ले जा। कांस्टेबल यहां से चाबी लेकर जाएगा और हम इन बंदियों को इधर से छोड़ेंगे। और सुनो बॉस, एक काम करते हैं, इस कांस्टेबल को भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि ये लोग बाद में कोई होशियारी ना कर पाए। इसे छोड़ देंगे और हम लोग गायब। ठीक है, जल्दी करो, लाइन में लगो। ऐसे कैसे लाइन में? पहले कपड़ा हटाओ इनके मुंह से, हाथ खोलो इन सबके। चाबी तो दे ही रहा हूं ना तुम्हें। खोल दो। नीचे कर। बहुत हो गया तमाशा। 2 किलोमीटर के अंदर जितने भी हैं तुम सब मरोगे। कोई बेवकूफी नहीं, हार चुके हो तुम लोग। ये बॉम्ब यहाँ गिरा ना तो तुम भी मारोगे। हम यहाँ बचने भी नहीं आए हैं, हम अपनी मौत अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं। रणवीर! चल लेकर बिठाओ सबको गाड़ी में, बिठाओ। ए चल बिठाओ सबको। अभी प्राची कहां चली गई? इतने सालों के बाद मिली थी, अब ढूंढू कहां इसे। Excuse me, मैम, आपने प्राची को देखा? प्राची कहाँ पे? कौन प्राची? वो प्राची जिसने आपको बचाया, जो आपके साथ थी, पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी उसने। मैं किसी प्राची को नहीं जानती। कैसी बातें कर रही हैं आप, नहीं जानती? आपके साथ थी वो पूरे टाइम। देखिए ना, रुके एक सेकंड, ये लड़की प्राची। मैंने इसे नहीं देखा, मैं इसको नहीं जानती हूँ। आपको बचाया इस लड़की ने, आपके साथ घूम रही थी, याद आया आपको? मुझे लग रहा है कि तुम इमेजिनेशन कर रहे हो। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैंने इसको देखा है आपके साथ, ये आपको बचा रही थी और आप कह रही है मेरा भ्रम है। कई बार ऐसा होता है जिसे हम मिलना चाहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, हम एक्सट्रीम सिचुएशन उसे इमेजिन कर लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, वो हमारा भ्रम होता है। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने ऐसे केसेस हैंडल किए हुए हैं, बहुत दिखे हुए हैं। कैसे बोल रही हैं आप? वो आपके साथ थी, मैंने देखा उनको, उन्होंने बचाया है आपको। उसने मुझे बचाया होता तो मुझे याद होता, मुझे पता होता। अरे हद है। हाय, दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, सांस न लेती रात, इश्क करे मेरे हो।
कर मेरे होठों से बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं दूर खुद से रहूं। जब ऑफिस में थोड़ा भी टेंशन होता है तो घर जल्दी चली आती हूँ। रणबीर कुछ हुआ है, तू बता नहीं रहा है मुझे, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ हुआ है। पता ना रणबीर, कहीं चोट लगी है तो डॉक्टर को बुलाते हैं ना, हर चीज का इलाज है, सब सब ठीक हो जाएगा। तो पता तो सही हुआ क्या है? कुछ नहीं मामा, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको थोड़ा मिस कर रहा था इसीलिए, बस बाकी और कुछ नहीं हुआ। यहाँ देख, तेरा दर्द तुझसे ज्यादा मुझे महसूस होता है, पता क्या हुआ? जब मैं होटल में था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा मतलब छिनने वाला है। वहां पे इतना कुछ हो रहा था, इतनी दहशत थी, इतना अजीब माहौल था, मैं घबरा गया था मां, मैं डर गया था कि शायद मैं आप लोगों से फिर से कभी मिल ना पाऊं, इसलिए थोड़ा। ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। रणबीर सब ठीक है, आई प्रॉमिस यू सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ ऐसा। आपका ये जो प्यार है ना, कभी कभी ऐसा होने नहीं देगा मेरे साथ, मैं जानता हूं। आई नो, ठीक है ना? पता है ना तुझे मैं हूं? पता है मुझे आप है, इसलिए मैं हूं। आप हमेशा फैमिली की तरह साथ खड़े हो जाते हो, हर वक्त, हमेशा। थैंक यू मुझे संभालने के लिए। तुझे नहीं संभालूंगा तो मेरा बिजनेस कौन संभालेगा? हाँ, सेल्फिश बिजनेसमैन हूं ना। तो चल जा, रेस्ट कर। मैम, आपके लिए कपड़े। ये सर ने कहा ना लाने के लिए। सर इतने अच्छे हैं तो सिंपल सी बात सीधी सीधी क्यों नहीं बोलते? खड़ूस बॉस भी तो है। थोड़ी सी शांति और सुकून मुझे दे दीजिए, मेरा दिल ना बहुत बेचैन हो रहा है, बहुत ज्यादा। जब से प्राची की यादें वापस आई है ना, तब से मुझे बहुत परेशान कर रही है। अब रणबीर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, जरा भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि जितना सोचती हूँ उतनी बेचैनी होती है दिल में। नहीं सोचूंगी, लेकिन तुम मेरी पंची का ख्याल रखना। ओके, हमेशा मेरी पंची का ख्याल रखना। प्लीज उनका ख्याल रखना, उन्होंने मेरी जान बचाई है, उन्होंने माई की डांट भी खाई है मेरे लिए, तो प्लीज उनका ख्याल रखना, प्लीज प्लीज। बस मेरी पंची और प्राची का ख्याल रखिएगा प्लीज, उनको हमेशा खुश रखिएगा। आपको तो सब कुछ दिखाई देता है, आपके सामने तो सब बहुत छोटे हैं, आपको तो पता होगा वो लोग कहाँ पे। प्लीज मिलवा दो यार। अनरोमांटिक यार, कितनी रोमांस। मुझे यार मत बुला। मेरी प्राची, मेरी पंछी से मुझे एक बार फिर से मिलवा दो प्लीज। Now listen to me. आज रात तक मुझे वो प्रेजेंटेशन भेज दो, और अगर नहीं भेज सकते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपना रेजिग्नेशन भेज देना, और उसके बाद किसी और जॉब के लिए सीवी भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ यू नो वो लोग मुझसे तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे।
और तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो बेहतर है या तो मुझे आज रात तक प्रेजेंटेशन भेज दो या फिर पूरी जिंदगी घर पे बैठने की तैयारी कर लो। तुम क्यों हो ऐसे? एक्सक्यूज मी? नहीं मतलब ऐसे लोगों को गुस्सा करना, ऐसे रूड बिहेव करना, ऐसे हर्ट करना तुम्हें अच्छा लगता है, क्यों करती हो ऐसा? गलती गुस्से की उंगली पकड़ कर चलती है मिस्टर मैनेजर, गलती करेंगे गुस्सा भी आएगा, और चार दिन बाद गिरना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। मैं इंसान को देख कर परख कर सोच समझ कर उससे बात करती, और वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं, अच्छी भी बहुत हूँ, लेकिन कोई मेरी अच्छाई का फायदा उठाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी फटने वाला है आज। हर चीज एक सही वक्त पर अच्छी लगती है मिस्टर मैनेजर, और जब वो वक्त निकल जाए तो वो बातें भी अच्छी नहीं लगती। आई एम श्योर कोई कमेंट ही पास किया होगा। अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिखाओ मैम को। नहीं ये नहीं, कोई और नहीं, ये कलर नहीं, रेड वाला कलर दिखाओ, आपका रेड फेवरेट। अरे जिनके लिए लेना है वो किधर गई? आप और ड्रेसेस देखिए, मैं उन्हें लेके आता हूँ। ठीक है। नहीं कोई और। ये मिस्टर मैनेजर कहाँ रह गया? आपके बारे में पूछ रहे हैं। गॉड, मैं ना बोलना ही भूल गई। एक्चुअली क्या हुआ, ये अचानक से शॉपिंग का प्लान बनाना इन्फॉर्म करना भूल गई। प्रिया एक काम करो, उनसे ना माफी मांगो मेरी तरफ से, मैं आके मांगूंगी, मैं फोन भी करूंगी, ठीक है? हाँ हाँ कर दिया माफ। अच्छा है, अचानक ही सही। तुम्हारा शॉपिंग का प्लान तो बना? कोई टेंशन नहीं है, तुम आराम से शॉपिंग करो, और हाँ ऑफिस जरूर आ जाना उसके बाद। थैंक यू। तुम मेरी बेटी जैसी हो। थैंक यू ठीक है, काम का लॉस हो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पता है ना आज बहुत जरूरी मीटिंग है। पता है मुझे, इस मीटिंग की बहुत तैयारी की है मैंने, एंड बाय द वे इस मीटिंग के बारे में मैंने ही आपको याद दिलाया, तो मुझे पता है मैं आ जाऊंगी। यहाँ का काम भी ना जरूरी है,
ये काम पूरा नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। But don't worry, मीटिंग से पहले पहुंच जाऊंगी मैं, ठीक है? रखती हूँ, बाय। क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ रणबीर है? कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ मैं उसके बारे में। ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, इतना ज्यादा भी नहीं सोचना है उसके बारे में। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, आपने सच में मेरे लिए साड़ी सिले की है? हाँ, मैंने बोला था ना कि पहले मेरी बारी। अच्छा तो आपकी बारी हो गई ना, अभी मेरी बारी। ठीक है चलो, आपके लिए हम कपड़े ढूंढते हैं। आपने ये नहीं देखा कि मैंने आपके लिए क्या देखा है? मैं देखूंगी ना, आई एम श्योर बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरी बारी भी तो होनी चाहिए ना। चलिए ना, आपके लिए कपड़े देखते हैं। आप प्लीज मेरी बात मानो ना, कोई मेरी बात नहीं मानता। आप तो मानो प्लीज। आपने मुझे अपनी बेटी कहा है ना, और मैंने आपको मम्मा। अब बस मम्मा को अपनी बेटी की बात माननी पड़ेगी, मानोगे ना? बहुत जिद्दी हो आप। सिर्फ उनके साथ जो मुझे प्यार करते हैं। अगर आप मुझे प्यार नहीं करोगे तो मेरा कहना क्यों मानोगे? फिर तो मैं आपके कुछ लगूंगी ही नहीं ना। मैं यहाँ आपके पास इसलिए तो हूँ क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो। आप सच्ची बहुत अच्छे हो। जब आपको पहली बार देखा था ना, तभी मैंने भगवान जी से बोला था कि ये अपनी बेटी को कितना प्यार करती होंगी, तो मुझे भी करेंगी। और देखो आप करती हो। थैंक यू मुझे बेटी जैसा प्यार करने के लिए। नहीं बच्चे, थैंक यू आपने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करने दिया। थैंक यू मेरी पर। थैंक यू खुशी, थैंक यू। ओहो आप कितना बातें करते हो। मैं? और नहीं तो क्या, मैं बिल्कुल रणबीर कपूर जैसे हो आप। रणबीर कपूर? हाँ, दिखते तो क्यूट है पर बोलते बहुत है। अच्छा अब ये लो और जाओ जल्दी, इन दीदी ने बोला है कि कपड़े पहन के भी देख सकते हैं। ओके मेरी माँ, ट्रायल रूम ढूंढती हूँ मैं। हाँ तो जल्दी जाओ। जैसे हुकुम मेरी आका। आप मुझे इनके लिए और कपड़े दिखा सकते हैं प्लीज? मैं हूँ आपके लिए दो कपड़े और लाई हूँ, इसको भी ट्राई कर लो। ओके। अरे ये लॉक खुल नहीं रहा है। क्या हुआ? पता नहीं ये लॉक अटक गया है शायद। क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं। अच्छा खुशी एक काम करो, आप ना किसी को बुला लाओ। वो जो दीदी है ना जो हमें कपड़े दिखा रही थी, उन्हें कहो कि दरवाजा लॉक हो गया, वो हेल्प कर देंगी। ठीक है? ठीक है अभी लाई। कहाँ भागी? इसको पकड़ो। अपना रुमाल लो। नहीं वो रूम नहीं खुल रहा है, दीदी को बुलाने जा रही हूँ। अरे लेकिन मैं Excuse me, मैम वो पार्वती आलिया, तो भी आपका नाम है, ये कपड़े मुझे वो छोटी बच्ची ने पकड़ा दिया है। आपको दरवाजा मत खोलिए, मैं ऊपर से दे देता हूँ आपको। ये रणबीर की आवाज है। तो थोड़ी देर और ठहरे जा जालिमो, तो थोड़ी देर और ठहरे जा। नहीं वो यहाँ कैसे होगा? तू थोड़ी देर और ठहरे। थैंक यू ये देने के लिए। तू थोड़ी देर और ठहरे जा। प्राची। तू थोड़ी देर और ठहरे जा। एक्सक्यूज मी मैम, आपका नाम बता सकते हैं आप मुझे? थोड़ी देर और ठहरे जा।
वही जो तुम चाहते हो। क्यों, मैंने यहाँ आकर कुछ गलत किया क्या? हाँ नहीं, मतलब वो नहीं, गलत क्यों, तुम्हारा ही घर है, जब चाहे आती जाती रहो। तुम हम दोनों को ऐसे घूर क्यों रहे हो? आंटी आपको नहीं, ये दामिनी। यकीन नहीं हो रहा है ना कि दामिनी आई है इस घर में? यकीन तो हो गया आंटी, ये दामिनी है, भूत चुड़ैल थोड़ी है। मैं वो बस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना कि ऐसे हमारे घर में होगी, इसलिए थोड़ा। आई नो, लेकिन ये है एक्चुअली में। एक्चुअली वो अपने डैड के साथ आई है, वो बाहर बैठे विक्रम और पंडित जी के साथ। पंडित जी? हाँ, तो आगे जो भी करना है पंडित जी बताएंगे ना, है ना दामिनी? हाँ जी आंटी, अब आगे की बात तो जो भी होगा पंडित जी बताएंगे। देखा कितनी समझदार बच्ची है, कितनी स्वीट है ये, दिल की बहुत सच्ची। देखो ना, मैं अंदर आई नाश्ता बनाने के लिए, तो मेरे साथ साथ ये भी चली आई मेरी हेल्प करने के लिए। एक्चुअली मैं जानती हूँ कि ये मेरे साथ क्यों आई है, तो ये जानना चाहती थी ना कि इस घर में क्या क्या बनता है, किसकी पसंद नापसंद क्या है, है ना, इसलिए आई ना मेरे साथ। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, शादी के लिए हाँ करके बैठे हो, जाओ सीधा और मना कर दो शादी के लिए अब। एक सेकंड, मैं क्यों मना करूं? तुमने मना किया नहीं ना, शादी तुम्हें भी नहीं करनी है, उल्टा सारा ब्लेम तुमने डाल दिया मुझ पर कि मुझे नहीं करनी है, खुद अबला नारी बन गई कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है, अब मैं भी सबको प्रूफ करूंगा कि मैं अबला नारा हूं, आई मीन अच्छा लड़का हूं, और मैं सबको ये प्रूफ करूंगा कि तुम भी नहीं चाहती कि ये शादी हो, समझ आया तुम्हें? देखो टाइम है, सुधर जाओ वरना बहुत पछताओगे। टाइम है, संभल जाओ वरना तुम पछताओगे। बॉयफ्रेंड तुम्हारा है ना, प्यार भी करती होगी तुम उससे? वो भी करता ही होगा आई एम श्योर, पता नहीं कैसे, बट अब या तो शादी वो रोकेगा या फिर तुम रोकोगी। आर्यन खन्ना नाम है मेरा, वैसे तो मैं बहुत स्वीट हूँ, बट कोई अगर मुझे यूज करने की कोशिश करे ना, तब मैं बताता हूँ कि मैं असली में क्या कर सकता हूँ। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैडम, शादी के लिए ना तो तुम ही करोगी। और अगर मैंने नहीं बोला तो, और हमारी शादी हो गई तो क्या लोग बोलेंगे कि वाह आर्यन ने डॉक्टर शादी करी है, लकी आर्यन। देख लो अभी भी चांस है, हाजी मना कर दो, बल्कि अभी पंडित जी की दक्षिणा भी बच जाएगी ना, वरना लाखों लौट जाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स के। मैम थैंक यू, इफ यू हैव टाइम प्लीज हमारा साड़ी सेक्शन जरूर चेक करना, बहुत अच्छे अच्छे और लेटेस्ट डिजाइन आए हुए हैं, एंड आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएंगे। अंकिता मैडम को साड़ी का लेटेस्ट कलेक्शन दिखाइए। एक सेकेंड, जबरदस्ती है क्या? बिना खरीदे जा नहीं सकती, बेहतर होगा अगली बार अपने काम से काम रखे। ये इन्हें भी साड़ी के लिए पूछेंगे नहीं? हाँ प्लीज पूछिए ना, मुझे दो साड़ियाँ चाहिए। एक्सक्यूज मी, अरे मम्मी और दीदा के लिए। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आना। ओके आई नो, आई अंडरस्टैंड, रिलैक्स, लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, मैं भी रोज हैंडल करता हूँ, बहुत मुश्किल होता है ना। आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। एक काम कीजिए, आप ये ड्रेस जो है पैक कर दीजिए प्लीज, आपकी बेटी के लिए, कुछ वैसे ही समझ लीजिए, ये खुशी के लिए, उसे बहुत अच्छी लगेगी, ये किसी को मत दीजिएगा, ये मैं ही लेके जाऊंगा। सर ये लास्ट पीस है, अब मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? एक काम करते हैं, मैं इसकी बिलिंग कर लेते ताकि ये पक्का मेरी हो जाए, कोई और लेके ना जा सके इसे। ओके ओके, कितना? आप बिल कर लीजिए इसका, डबल पैसे दूंगी, पर खुशी के लिए मुझे ये चाहिए, बात करती हूँ उससे। अरे ये कलर मम्मी पे कितना अच्छा लगेगा ना, इस मम्मी पे तो सारे कलर अच्छे लगते हैं, वह इतनी प्यारी। एक काम करता हूँ, मम्मी और दीदा के लिए ना कुछ ले लेता हूँ, यहाँ से खुश जाएंगी वो एकदम से, अरे वाह हमारे बच्चा हमारे लिए कुछ लेके आया, इतना खुश जाएंगी मुझे गले लगा लेंगी। नहीं ऐसे ज्यादा उछलना भी नहीं चाहिए, वो डांट भी सकती है, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की, क्या जरूरत थी हमारे लिए कुछ लाने की, पर कोई नहीं एक बार डांट लेंगे फिर उसके बाद तो प्यार ही करेंगे। ये कलर दीदा पे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं मैनेजर से ही पूछती हूँ, उससे बात करती हूँ।
बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन उसे इमेजिन कर लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, वो हमारा भ्रम होता है। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने ऐसे केसेस हैंडल किए हुए हैं, बहुत दिखे हुए हैं। हेलो, हाँ प्रिया। प्रिया, आई एम सो सॉरी, मैं मुझे नहीं लगता मीटिंग में आ पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो काम है ना वो बहुत जरूरी है। आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट टुडे। मैम, मैंने ऑफिस आने के लिए आपको कॉल नहीं किया है। मैं तो आपको ये बताना चाहती थी कि आपका घर फाइनल हो गया है। सर, आपको खुद बताना चाहते थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो। आई नो, मीटिंग बहुत जरूरी थी, मैं आना चाहती थी, मैंने सारी तैयारी भी की थी, बट ये जो पर्सनल काम है ना ये बहुत जरूरी है और मुझे नहीं लगता आज मैं आ पाऊंगी। सो नो इशू मैम, मुझे पता था कि आपको इतना टाइम लग ही जाएगा। वो टंडन सर मीटिंग के लिए जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। सीरियसली सर, जैसा ना दुनिया में कोई नहीं, बेस्ट है वो। जी मैम, आपके लिए तो वो बिल्कुल अलग ही है। वैसे मैम, मैं आपको घर का एड्रेस सेंड कर रही हूं, आप प्लीज देख लेना एक बार, वहां पर कुछ लोग होंगे साफ सफाई करने के लिए। मकान को घर बनाने में लगते होंगे। और हाँ, वो सब सेट कर देंगे। ठीक है, एड्रेस भेज दो। जी मैम। खुशी, आप ठीक हो? आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं। ओके, अगर कुछ चाहिए तो मैं यही हूँ। ओके फाइन। ओके फाइन। वो एक्चुअली मैं ना, अरे सर सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ सर, आपने ही बोला था तो अब क्या क्या बोलना चाहते? मतलब सर, ये आपने ही कहा था ना तो इसलिए मैंने कर दिया। सर आपको नहीं करना था तो आप पहले मने कर देते। तो देखो दोस्त, मेरे पास ना थोड़ा टाइम कम है, तुम थोड़ा क्लियरली बोलो ना सर, खुल के क्या कहना चाहते। सर वो ड्रेस खुशी की मम्मी को आपने देने के लिए बोला था ना, तो आपको नहीं करना था तो सर आप पहले बोल देते ना। आप वापस आए इसका मतलब आपका माइंड चेंज हो गया होगा, आप अपसेट होंगे सर। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं वापस सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे साड़ियाँ चाहिए थी जो मैंने पसंद करी थी, मुझे इनका बिल करवाना है। ओह अच्छा, मुझे लगा आप उन मैडम से जाके मिल लिए सर, इसलिए आपका माइंड चेंज हो गया। कौन सी मैडम से मिल लिया मैं? खुशी की मम्मी। सर मैंने उन्हें आपका मैसेज दिया था। अच्छा सर, वो बहुत खुश थी और आपको थैंक्स बोलना चाहती थी। अरे क्या इसमें थैंक्स की क्या बात है, आप मुझे इसका बिल बता दीजिए कितना हो गया। जी सर। थैंक यू, वेलकम। लेकिन सर बच्ची बहुत प्यारी थी, वो यहाँ ढूंढती हुई आई थी अपनी मम्मा को, लेकिन उसकी मम्मा आपको ढूंढती हुई बाहर चली गई। उसकी मम्मा बाहर चली गई खुशी को अकेले छोड़ के? यस। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हैं? और ये वापस आ गई ना वो? सर इसका ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम, एक काम करते ना अंदर ही रह जाते और फोन करके कह देते कि नहीं आ रहे। अरे मैंने तुम्हें बोला नहीं था क्या? मैं आ ही तो रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम अभी आ रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा दिया? दो मिनट लेट हुआ हूँ काया मैं, दो मिनट। और तुम्हें क्या है, तुम क्या आज प्लानिंग कर रही हो? बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, प्लीज जल्दी चलो गाड़ी चलाओ, लेट्स गो। ड्राइव। ड्राइव क्या ड्राइव, ड्राइवर नहीं हूँ मैं तुम्हारा। इनफ, बैठे हो ना ड्राइवर की सीट पर तो फिर ड्राइवर तभी हो। प्लीज प्लीज, मुझे देर हो रही है, प्लीज मुझे ऑफिस छोड़ दो, मैं कल से ऑफिस से कोई दूसरा ड्राइवर गाय ले लूंगी। प्लीज जस्ट चलो, प्लीज प्लीज तुम ले लेना, दूसरा ड्राइवर ले लेना प्लीज। हाँ, आई कांट बी योर ड्राइवर। मैं ले लूंगी यार। पागल हो गई हो, क्या कर रहे हो? आगे चलाना है, पीछे नहीं। मेरे सर पे खड़े होकर ड्राइव ड्राइव नहीं बोलोगी तो शायद मैं ठीक से चला पाऊंगा खाया। मैं जाके चेक करके आता हूँ क्या हुआ है। अरे यार स्क्रैच लग गया। हे भगवान, मेरे से टूट गई गलती से। जिसकी गाड़ी है वो तो यहाँ है नहीं, पर मैं आपको बोल रहा हूँ आप कन्वे कर दीजिएगा मैसेज, उनको बोल दीजिएगा कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। चलो चलो जल्दी चलो। अरे भगवान, इतनी जल्दी सुन लिया आपने, इनको भेज ही दिया, कहाँ चले गए? अरे वाह, फिर तो ना हमारी बहुत जमने वाली है। पता है क्यों? मैं भी ऐसी हूँ, क्योंकि प्राची के चेहरे पे जब भी मैं स्माइल देखती हूँ ना तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत खुशी होती है। हाँ, मैंने देखा। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, आपने बोला था ना खाना खाने के लिए तो थोड़ा। ओह आई एम सो सॉरी, मैं काम करती हूँ, मैं अभी गई और अभी आई। अरे अरे, मैंने ऑलरेडी मटर पनीर बनाया है। नहीं
मुझे मम्मा के हाथ का खाना है। मम्मा ये मुझे मम्मा बुलाती है क्योंकि वो गाड़ी में बैठने वाली मम्मा होती है ना, मैं वैसी लगती हूँ उसे। राइट खुशी? राइट। मुझे आपके हाथ का बना हुआ खाना है और आपके हाथ से ही खाना है। ठीक है मैं अभी आई। ठीक है बैठो। काया are you okay? तुम ठीक हो? ठीक हूँ या नहीं ये जानना या पूछना तुम्हारा जॉब नहीं है। मुझे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना, फिर बताऊंगी क्या ठीक है और क्या क्या नहीं। क्या मतलब आज तुम सोच के निकली हो क्या? जिससे मिलूंगी उसका मूड खराब ही करूंगी मैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी चीजों से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तुमसे एक मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, तुम जवाब में बोल सकती हो ना कि हाँ मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है सीन क्रिएट करने की? तुम्हें अच्छा लगता है कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना? व्हाई यू लाइक दिस? क्यों बोल दिया मैंने? आ बैल मुझे मार। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं आपसे कुछ नहीं कहा मैडम, मैं अपने आप से बात कर रहा था। इसको क्या हो गया? ये खुद डाकू रानी तलवार वाली है, दूसरों को इतना डराती है, ये खुद डर के मारे इसके हाथ क्यों कांप रहे? सोच रही हूँ कि पनीर पराठा बनाओ, हेल्दी का हेल्दी भी हो जाएगा और इससे थोड़ी ना उसका पेट भरेगा। खुशी दिख रही है। आई नो, यही तो बैठी देखो। मैं वो खुशी की नहीं, तेरे अंदर की खुशी की बात कर रही हूँ। आप आ गई ना, और क्या चाहिए मुझे, मैं तो खुश हूँ। अच्छा दादी मुझे एक बात बताइए, चॉकलेट और वनीला में से इसे फ्लेवर कौन सा पसंद आएगा? मैं सोच रही हूँ छोटा सा क्यूट सा केक बना दो, इसे पसंद आएगा। तो चॉकलेट बना ले, हर बच्चे का फेवरेट होता है। मुझे भी तो पसंद है, मेरा भी तो फेवरेट है चॉकलेट। मुझे कुछ हो रहा है। बेटा तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तेरे चेहरे पे साफ दिख रहा है कि तुझे क्या हो रहा है। नहीं दादी सिर्फ वो बात नहीं है, कैसे समझाऊं? खुशी इसे देख के ना मुझे माँ जैसा फील हो रहा है। मतलब इसे देखती हूँ इससे मिलती हूँ ना तो एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे, और मन करता है इसे बस गले लगा लूं। और दादी जब गले लगाती हूँ ना तो ऐसा फील होता है कि मतलब मेरी पंछी उसे जब मैंने पहली बार गले लगाया था ना तो फील हुआ था ना वैसा ही फील होता है, एग्जैक्टली वैसा। मतलब मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ शायद, पर मुझे वैसा ही लग रहा है। मतलब जैसा कोई अधूरापन कोई खालीपन था मन में जो अचानक से मिट गया है। दादी इतने साल मैं दिल्ली में थी, फिर दिल्ली छोड़ के जब बैंगलोर आई तो अपने आप को ना काम में इस कदर डुबा लिया था मैंने। मैं नहीं चाहती थी मुझे जरा भी फुर्सत मिले या मेरा माइंड डाइवर्ट हो, मैं कुछ भी सोचूं कुछ महसूस करूं। मैं जानबूझ के मैं आपको पता ही आपने देखा है मुझे, मैं 24 घंटे बस काम करती थी, पूरा दिन ऑफिस में रहती थी। पर जब शाम हो जाती थी ना तो और गुस्सा आता था कि ऑफिस क्यों नहीं जा पा रही हूं मैं, काम अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ सोचना नहीं है, मैं काम के बारे में सोचती थी बस काम काम काम। और आज मैंने काम छोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं था, मुझे जाना था, बहुत इम्पोर्टेंट काम था, उस मीटिंग की बहुत महीनों से तैयारी कर रही थी, पर इसके साथ थी ना तो मैं भूल गई, ध्यान में नहीं आया कि मीटिंग में जाना है, इसके साथ रहना था, बस इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था ना दादी। आई कांट टेल यू, मैं आप सोचेंगे ना मैं पागल हूँ, मैं क्या बोले जा रही हूँ, पर सच्ची मैं सच बोल रही हूँ दादी। मुझे मेरी खुशी है ना, मुझे खुश ये मेरी पंछी है। मतलब पंछी जैसी लगती है मुझे, इसे देखती हूँ तो मेरी मेरी छोटी पंछी थी ना तो उसको जो गले लगाया था ना तो वैसे फील। सॉरी दादी मुझे रोना नहीं है, सॉरी मैं आपको क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रही है, मैं ना बहुत बातें करती हूँ। क्या हुआ? हे भगवान हाथ जला लिया तूने, इधर आ तू, इधर बैठ। लेकिन वो फ्राइज,
हाँ हाँ चूल्हा बंद कर दिया मैंने, मैं फर्स्ट एड लेकर। नहीं आप दो मिनट बैठ जाओ, मैं मंगवा प्राची। हाँ अब बैठो बैठो। क्या हुआ बेटा? गरम तेल हाथ पर गिर गया। पहले क्यों नहीं बताया? रुको एक मिनट। अरे फर्स्ट एड बॉक्स में कहाँ रखा है शान? दादी इस घर में कुछ पता ही नहीं भी कहाँ रखते हैं। जल रहा होगा बेटा। ज्यादा नहीं है। हट्टू। ओ हाथ डालो। हाँ? अब देख क्या रहे हो? हाथ डालो। लो इतनी सी बच्ची को याद रहा और मुझ बुढ़िया को याद नहीं आया। तेल गरम था पता नहीं था आपको? ध्यान क्यों नहीं रखा? ज्यादा जल जाता तो? ओ, मैं खाना बनाना नहीं आता तो बताना था ना, आज क्या आप बड़े बावर्ची तो नहीं बन जाओगे ना? हंसो मत, मैं सच में डांट रही हूँ। सॉरी सॉरी। आपको चोट लगी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आप बहुत अच्छे हो। आपको कभी कोई चोट भी नहीं लगना चाहिए और दर्द भी नहीं होना चाहिए। अब कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। पक्का? थैंक यू, आपने सारा दर्द दूर कर दिया। देखना बड़े होकर मैं डॉक्टर ही बनूंगी। आसमान के सितारे। नहीं 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 नहीं, बस माई हूँ ना, चिंता हो जाती है। अब आपकी बेटियों से बिना बोले जाती तो आपको भी चिंता होती ना? कहाँ चैन से रह पाती है ना? मेरी बच्ची आ गई, मेरी कुड़िया आ गई। आपकी बेटी ना बड़ी प्यारी है, समझदार है, आप बहुत भाग्यशाली है। ये ना मैं कुछ कपड़े लाई थी इसके लिए। और कपड़े? जी। थैंक यू। खुशी बेटा मैं अभी चलती हूँ। ओके बाय बाय। आप ना अपना ख्याल रखना, आप हमेशा ऐसे ही स्माइल करना। झूठा जग रहन बसेरा।